विभू क्या हुआ विभू? गॉड मैंने ना बहुत ही भयानक सपना देखा। क्या? वही तो पूछ रही। छोड़ यार, क्यों तुम्हारा मूड खराब करना चाहती हो अपना? जानत मेरा क्यों मूड खराब होगा तुम्हारे सपने से? यार कुछ एक सपने ऐसे होते हैं जिनसे मूड की बैंड बच जाती। तो वही तो सुनना है, बताओ क्या ऐसा क्या सपना देखा? तो बुरा तो नहीं मानो। तुम्हारा सपना है और तुम्हारे सपने से मेरा क्या लेना देना है? तुम्हारा इससे लेना देना है? फिर तो मैं जरूर सुनना चाहूंगी कि क्या देखा। तुम सुनना चाहोगी? बिल्कुल, और तुम्हें बताना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने सपना देखा कि मैं ना तुम्हें फांसी दे रहा हूँ। नहीं, अपने हाथों से पर्सनली। व्हाट? ऐसे सपने देखते हो तुम मेरे बारे में? सपनों को कोई जोर तो नहीं होता किसी का यार। लेकिन ऐसे सपने देखने से ना मेरे बारे में तुम्हारी गंदी गंदी सोच जाहिर होती है। क्या बात कर रही हो यार, कैसी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तुम्हारी। व्हाई आर यू सेइंग दिस? ऑफ कोर्स मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, इसे साफ समझ में आता है कि तुम मुझे ना फांसी पर चढ़ते हुए देखना चाहते हो। यार तुम्हारा बस चले ना तो तुम खुद मुझे फांसी पर चढ़ा दो। ये कैसी बातें कर रही हो यार? मैं तुम्हें कह चुका हूं कि इंसान का जोर नहीं होता सपने पे, जो दिमाग में आता वहां जाता है। तुम्हारे जैसे शातिर आदमी का ना पूरा जोर होता है, वो चाहे तो जितना घटिया उतना घटिया सपना देख ले। तुम्हें क्या लगता है ये सपना मैंने अपनी खुशी से देखा? ओ कम ऑन यार, तुमने नोटिस किया? तुमने जब मैं उठा था तो मेरे मुंह से एक आह निकली थी। वो आ नहीं थी, वो ये था। कम ऑन यार, it was not ये, आ था यार। ये था आ, ये आ, ये आ, ये आ। ऐसा लगता है जैसे सरों की नदियां बह रही है। बाय गॉड सीरियसली थैंक यू भरभूति जी, लेकिन इमे हमरा कुछ हाथ ना आई है, ये तो ईश्वर का देन है। सही कह रही हैं आप, ऊपर वाले ने पहले बड़ी फुर्सत से बनाया आपको, टाइम लिया, लंबा पॉज लिया, उसके बाद सारे आप में जो गुण हैं उन कलाओं से नवाज दिया आपको। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं आपको, यू आर अ सुपर हॉट वुमन। मतलब ये कि आप सर्व गुण संपन्न है भाभी जी, एंड यू आर हॉट टू। थैंक यू भरभूति जी। भाभी जी एक बात आपसे कहनी थी, अब जुर्म मत कीजिएगा कोई। दिया, लेकिन हम जुर्म काय करेंगे? आप मुझसे वादा कीजिए भाभी जी कि आप कोई जुर्म नहीं करेंगे, क्योंकि हर जुर्म की सजा सजाए मौत ही होती है। लेकिन हम जुर्म काय करेंगे, हमको का जरूरत है जुर्म करने का? बस भाभी जी यही पॉजिटिव सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है भाभी जी, कि आपको जुर्म नहीं करना है, बस आपको जुर्म नहीं करना है भाभी जी। आपका बात करते ना अमरीका जो समझ ही ना आता है सच्ची। जब इनकी बात तुम्हारे पल्ले पड़ती ही नहीं है तो तुम क्यों इनसे बात करती हो? और आप महाशय, जब आपकी कोई भी बात हमारी बीवी को समझ में नहीं आती तो आप क्यों जो ऐसे पकाने चले आते हैं? तिवारी जी, भाभी जी भजन गा रही थी, मैं श्रद्धा से हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था, तो प्रॉब्लम है आपको इसमें? तो हो गई ना श्रद्धा, अब चलिए जाइए। और तुम पगली, देखो क्या है कि एक तो हमारे महत्वपूर्ण क्लाइंट आने वाले हैं, तो उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाने, और खाने पीने के बहुत शौकीन है। एक बार अगर उन्हें तुम्हारे हाथ का खाना पसंद आ गया तो 10 लाख का ऑर्डर पक्का। कब आ रहे हो? आज शाम को। लेकिन आप हमको अब बता रहे हैं, हमको कितना तैयारी करना पड़ेगा, टीम ही नहीं है। तिवारी जी आप लदे रहते हैं भाभी जी के ऊपर हमेशा, उनके सारे चल रहे हैं आप प्रेसी के लिए। भाभी जी अगर आपको जरूरत हो मेरी तो मैं फिजिकली आ सकता हूँ आपके पास। हाँ, आप आ जाइए। अब भरभूति जी आ जाएंगे तो ये टेक्स हम पूरा कर लेंगे। भाभी जी वो टास्क करना चाह रही हैं आप, सही पकड़े हैं। कीजिए ना उनसे मदद करने। बात क्या करनी है, आ जाइएगा, दे देंगे 100-200 रुपए। 100-200 की बनाइए बत्ती, और पीछे आपकी जो जेब है ना उसमें घुसेड़ लीजिए। आई एम नॉट डूइंग इट फॉर मनी, मैं कर रहा हूँ तो भाभी जी के लिए कर रहा हूँ। भाभी जी मैं आ जाऊंगा हैप्पीली। ठीक बा, आ जाइएगा। आ जाइए, चलो हम तनिक जॉगिंग करके आते हैं। ठीक बा, लीजिए। शुक्रिया। आजकल नारियल पानी इतना मीठा नहीं होता ना भाभी जी? हाँ तो मत पीजिए ना, और भी तो ग्राहक है। तिवारी जी दुनिया में ही इतनी कड़वाहट हो गई है, नारियल पानी क्या ही मीठा होगा।
ये बात तो सही कही भाभी जी, कड़वाहट तो है। अब कड़वाहट नहीं तो और क्या है, बेटे के दिल में बाप के लिए कड़वाहट है, भाई के दिल में भाई के लिए कड़वाहट हो गई आजकल तो। लेकिन भाभी जी एक बात हम दावे के साथ कह सकते हैं, पड़ोसी के दिल में पड़ोसी के लिए कड़वाहट नहीं है। अच्छा, ये बात आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? आप जैसी पड़ोसन को जान, मतलब आप जैसे पड़ोसियों को जान के। तिवारी जी, मैंने कौन सी अपनी दौलत आपके नाम कर दी है? भाभी जी, सिर्फ दौलत से कुछ नहीं होता है, एक पड़ोसी जो दूसरे पड़ोसी के लिए करता है ना। एक मिनट, किसने किया है, क्या किया है? भभूति जी ने अपना पड़ोसी धर्म का जो फर्ज निभाया है। विभु ने क्या फर्ज निभाया है? विभु ने, भाभी जी क्या है कि हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो हमने अंगूरी से कहा कि कुछ तरह तरह के व्यंजन बना लेना, तो भभूति जी वहाँ मौजूद थे, वो कहने लगे भाभी जी हम आपकी मदद करेंगे। अरे हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। तो हमने कहा हम आपको कुछ दे दवा देंगे, तो कहने लगे नहीं पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। बस भाभी जी क्या होता, अगर ऐसे पड़ोसी हो ना तो फिर बाहर से लेबर बुलाने की जरूरत नहीं होती, पड़ोसी फ्री में ही कर देते हैं। ये विभु बड़ा हीरो बनता है, इनके यहाँ जाके इतना काम करना है और एक पैसा नहीं ले रहा, ये बड़ा पड़ोसी धर्म निभा रहा है ना। आने दो, इसकी तो मैं बैंड बजाती हूँ। भाभी जी नमस्ते। भाभी जी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते टीके टल्लू, तुम लोग क्या हाफ पैंट में जॉगिंग कर रहे हो? दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं भाभी जी। क्या है कि अगर किसी लड़की को छेड़ के भगे तो पकड़े ना जाए। तो सेठ जी जरा तमीज के पजामे में रहो, अगर मैंने अपना पजामा ढीला कर दिया तो कहीं के ना रहोगे, ऐसा कुछ ना है। चूस भी भैया, हमने कुरियर सर्विस खोली है, टीटी फास्ट कुरियर सर्विस, इधर को माल उधर, उधर को माल इधर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज है भाई। टीके टल्लू बहुत ही मन लगा के काम करना तुम लोग। बस भाभी जी आपका आशीर्वाद चाहिए। और शेर जी अगर तुम्हें कुछ भेजना हो तो ये रहा हमारा कार्ड, कांटेक्ट कर लेना, और सबसे पहले 6 महीने की तनख्वाह भेजना। कार्ड रख ले। अरे शेर जी बुरे वक्त में काम आगे, रख लो रख लो रख लो। और भाभी जी एक कार्ड आप भी रख लो, विभूति भैया को कहीं भी पार्सल करना हो ना कर देंगे। ये आवाज सही गई बेटे। अच्छा भाभी जी, भाभी जी सुनिए ना भरभूति जी, ये जरा घुइया के कोफ्ते वेस्ट करके बताइए ना कैसे बने हैं। भाभी जी वेस्ट तो हम हो रखे हैं आपकी मोहब्बत में। आपका बोले भाभी जी, आप वो टेस्ट करना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, जरा चखिए। यू आर यू दैट सकुलेंट टेस्ट एंड इट्स लाइक मेल्टेड इन माय माउथ। भाभी जी इट्स अमेजिंग, अनबिलीवेबली गुड। क्या बना भाभी जी, बहुत लजीज बना, बहुत लजीज। थैंक यू थैंक यू। जरा मेरी दाल चक्के देखिए ना। हाय दिया, का दाल बनाया आप? सच्ची बहुत ही अच्छा, हमारी नानी बनाती थी ऐसी दाल। भाभी जी हमने आपकी तीखी नजरों से थोड़ी सी मिर्ची ले ली और अदरों से टेस्ट लेके हमने दाल में डाल दिया। क्या बोले? आई एक्सप्लेन टू यू। भाभी जी आपके होठों से लालिमा लेके हमने मोहब्बत और हुस्न के तेल में तड़का दे दिया, तैयार हो गई दाल।
आपका हाथ तो नहीं जला? अभी जल तो कब से रहे, अब तो बुझने का टाइम आ गया। मैंने कहा I'm all right, I'm fine, I'm okay. मनोहर। यस सर। अरे यार रुक जाओ। मनोहर। यस सर। ये दीगे लट्टे जो काम कबे खत्म होगो पुताई को? एक्चुअली सर ये फर्नीचर वाले और पुताई वाले एक बार घर में घुस गए तो बाहर ही नहीं निकलते सर। बात तुमने सही कही, ये हैं तो सारे घुसपैठिया, हमारे घर में एक बार काम चल रहा हो तो ये सारे 5 साल बाद निकले। ओ माय गॉड सर, मुझे डर लग रहा है कि ये पुताई वाले हमेशा यहीं पर रहे तो। फिर तूने फालतू की बातें करी, ऐसे कैसे रहे सारे के नने करेंगे तो लात मार के निकाल देंगे, बोल रहे ना। यस। सुनो भाई, अप्पू सिंह दरोगा कहाँ है? को बोलू को? दी की लट तिवारी तो मैं देखना रहा हूँ, हम खुद बैठे थे। अप्पू सिंह, अरे अरे माफी चाहेंगे, क्या है कि थोड़ा थोबड़ा आपका जो चूने से पुता हुआ है ना, तो इसलिए हम पहचान नहीं पाए। यार जाना सो सो, सॉरी बात कर रही ना। सॉरी। हाँ काय के लाने मर आई थे? वो क्या है कि हमारी दुकान के बगल वाली दुकान का जो मालिक है ना, उसके खिलाफ एक तो कंप्लेंट दर्ज करानी है, लेकिन कंप्लेंट थोड़ा बैकडेटेड चाहिए। तो मैं देख ना रहा हुए थे, कचल रहा हुए थे सारू, एक महीना तक काम नहीं हो सकता कछु, हालत नहीं देख रही थे, उधड़ गई है चौकी। एक महीना? लेकिन हमको तो बहुत अर्जेंट था। अर्जेंट? मैं हैंडल करता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे सहित सारी फाइल्स अस्त व्यस्त है। हमारे पास एक तो ऑफर है। कैसा ऑफर है? देखिए जब तक यहाँ पर रंगाई पुताई का काम चल रहा है थाने में, आप थाना हमारे घर पे खोल लीजिए। तुम्हारे घर में थानू खोलने? हाँ हाँ, बहुत बड़ा घर है ना, तो ग्राउंड फ्लोर पर खोल लीजिए। अप्पू सिंह कौन है बे? साहब जैन साहब, तुम मिस्टर तिवारी का ऑफर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करोगे? नहीं, सामने से ऑफर दे रहे थे तो हमने। मिस्टर तिवारी के यहाँ पे पुलिस स्टेशन खोलना हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। जो बात सही है भैया तिवारी साहब, को कहने को जो मतलब है कि तुम जो ज्ञान दे रहे कि तुम्हारे घर है थानू खोल लो, कचहरी खोल लो, वहां में सारे तुम्हारा कछु तो फायदा होगा ना, तुम अपना फायदा देख रहे। अपना फायदा हो सकता है तुम कछु चक्कर में हो के तुम थानो खुलवा दे, बाद में कछु काम बता दोगे, किराया वसूलोगे ना तुम। अरे कौन बदतमीज कह रहा है किराया वसूलेंगे हम? जब बदतमीज हमारा मतलब साहब ने कहो। अप्पू सिंह तुम एक नंबर के गधे हो। करेक्ट। मैंने किराए की बात कब की? फिर ये तिवारी जो है वो बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन कैसे होते पता है ना? ऐसे होते हैं। ये एक लॉलीपॉप दिखा के अपने लाखों का काम निकलवाएगा हमसे। ये क्या खुजर-बुजर चल रही है? हमारा ऑफर पसंद नहीं आएगा सर? मिस्टर तिवारी आप अपनी ऑफर की बत्ती बनाइए और डाल दीजिए अपनी पीछे वाली जेब में। जी मिस्टर तिवारी, हमारा पुलिस स्टेशन कहीं और शिफ्ट हो रहा है, और अगर मैंने आपसे मदद ली या मदद मांगी तो मैं एक पाप की औलाद नहीं। जी जी हाँ, बिना कछु भी करते हैं। चलिए अब सब खाना बन चुका है, अब बस जो है हमको घुइया के कोफ्ते में जीरे का बघार लगाना है। तुम आप जी लगाइए ना, जीरे के बघार के बगैर गुइया के कोफ्ते इतने इनकम्प्लीट होते हैं जैसे लगता है जैसे कि जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली। लेकिन क्या करें, जीरा ही नहीं है ना घर में, ओ हम मार्केट से लाना भी भूल गए। सेम भाभी जी, मार्केट क्यों जाएंगे आप, मेरे घर में जीरा पड़ा हुआ है, जीरा जीरा कर दूंगा। क्या चल रहा है पगली? कहा बताए लड्डू की भैया, भरभूति जी की मदद की वजह से सब कुछ होगा आराम से। अरे वाह भरभूति जी, समझ में नहीं आ रहा किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करें। अरे जी शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं, आप हमारे पड़ोसी हैं और पड़ोसी अपने होते हैं भाई,
अगर हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे तो कोई बाहर से आएगा हेल्प करने के लिए जी। क्या बात कर रहे हैं आप भी? क्या बताएं भभूति जी, हम आपको पहले बहुत ही घटिया और लीचर टाइप का इंसान समझते थे, लेकिन अब समझ में आया कि आपके अंदर तो वाकई संस्कार कूट कूट के भरे हैं। बस ये बुजुर्गों का आशीर्वाद है तिवारी जी। यूं तो हम आपके बुजुर्गों के बारे में भी कोई नेक ख्याल नहीं रखते थे, लेकिन अब पता चला कि वो वाकई बहुत महान थे। अभी जी जरा लेके आता हूँ। जी जी जी, आपने जहाँ से जहाँ तक बोला था उसका नाप मैंने ऑलमोस्ट ले लिया है और वहाँ पे मैं खोद के रहूंगा जी। सक्सेना जी, आप ये म्यूनिसपैलिटी की इन्फॉर्म मैंने काहे घूम रहे हैं? जॉब लग गई क्या आपकी? हाँ भैया, मैं यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे एरिया को खोदने वाला हूँ। और हम कैसे जाएंगे यहाँ से वहाँ तक? सर पैर रखे आपके भैया? वो तो मुझे पता नहीं है, पर ये बात पक्की है कि ये जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक खुदेगी। लेकिन आपके खोदने का शौक कब से हो गया? भैया ये शौक नहीं है, ये एक फीलिंग है भैया, फीलिंग। मैं दिन रात गड्ढा खोद के उन मजदूरों की फीलिंग को महसूस करना चाहता हूँ जो बेचारे दिन रात खोदते रहते हैं, खोदते रहते हैं, खोदते रहते हैं। आप नहीं खोदेंगे? मैं खोदूंगा भैया। आप नहीं खोदेंगे? मैं खोदूंगा भैया। मैंने कहा आप नहीं खोदेंगे? मैं खोदूंगा विभूति। I like it. मैं खोदूंगा भाई, नल्ले खोदूंगा। I like it. Thank you भैया, मुझे खोदने के लिए बहुत सारी एनर्जी मिल गई। थैंक यू वेरी मच। सक्सेना जी, आप बहुत बड़े खोदू हैं। मैं बहुत बड़ा खोदू हूँ। I like it. मैं बस निकल रही हूँ। नहीं नहीं, आप अपनी बेटी को भेज दीजिए, मैं उसकी ग्रूमिंग स्टार्ट कर दूंगी। हाँ ठीक है, ओके। अरे ग्रूमिंग क्लासेस जा रही हो? Have a nice, wonderful day. गुड गुड गुड। वापस तुम कहाँ से आ रहे हो? भाभी जी के यहाँ से आ रहा हूँ। भाभी जी के यहाँ क्यों गए थे? अरे यार, उनके यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो I'm just helping her out. भाई पड़ोसी हैं तो इतना तो करना पड़ेगा। नहीं, पड़ोसी की मदद तो ठीक है, लेकिन कभी कभी अपने खुद की बीवी की भी मदद कर लिया करो। हमारी बीवी को मदद की क्या जरूरत पड़ गई? अपनी बीवी के तो मैं काम रोजाना करता हूँ, सुबह से शाम तक करता हूँ। हाँ भाई, और साथ साथ। अरे यार, तुम हर बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो यार? तिवारी जी, भाभी जी हमारी हेल्प करते हैं कि नहीं करते? अगर मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ तो कौन सा एहसान कर रहा हूँ? एक डिश बना रहा हूँ सिर्फ यार, जीरा पी बिरयानी, दैट्स इट, सिंपल। अरे हाँ, बिरयानी से याद आया कि मेरा भी आज बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है। आज तो मेरे लिए बना दो ना वो वेज बिरयानी। अब बना दूंगा कल बना दूंगा। कल नहीं। अरे विभू, मेरी आज खाने की इच्छा हो रही है तो आज बनाओगे ना? पर खाने की इच्छा नहीं हो रही, बेसिकली तुम्हारी उंगली मतलब परेशान करने की इच्छा हो रही है मुझे। मैं बोला तुम्हें क्यों परेशान करने लगी? तुम जानती हो कि मैं वहां एंगेज्ड हूं। I'm stuck there. So you wanna mess with me. मतलब तुम मेरे लिए वेज बिरयानी नहीं बनाओगे? अरे तुम खाती कहाँ हो यार, चिड़िया भी तुमसे दो दाना ज्यादा खाती है। यार लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे लिए बनाया था वो क्या पनीर मक्खन वाला, याद है तुम्हें? खाना तो बहुत दूर की बात है, तुमने सूंघा तक नहीं उसको। ओ प्लीज, तुमने उसमें इतना सारा पनीर डाल दिया था, इट वॉज लाइक ओवरडोज ऑफ प्रोटीन एंड क्रीम, कितना सारा क्रीम डाला था। अगर मैं सूंघ भी लेती ना तो मेरा वजन 2 किलो बढ़ जाता। Come on यार, give me a break and this time a bigger one. तुम खामखा बिरयानी खराब करोगे, 3 दिन तक मुझे खानी पड़ेगी फ्रिज में रख रख के। वाह, अब तो तुम अंतर्यामी हो गए हो। हाँ, तुम्हें सब पता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। बेबी, इतने सालों से तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हें इनसाइड आउट जानता हूँ। इनसाइड आउट, तो तुम्हारा ये आखिरी फैसला है कि तुम मेरे लिए वेज बिरयानी नहीं बनाओगे? यार बना दूंगा, लेकिन कल बना दूंगा ना। आज रात आज रात को बना दूंगा। थैंक यू। और तुम्हारे लिए एक तुम्हारी लैंग्वेज में कुछ समझाना चाहती हूँ कि दूसरों के गुर्दे सहलाना बंद करो, कभी कभी गुर्दे सहलाना भारी भी पड़ जाता है। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। चाहती हैं कि बस इन्हें गुर्दे सहलाए जाएं।